गुड मॉर्निंग माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, आई अनु श्रीवास्तव वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिनोमिक्स एंड अकाउंट्स। एंड टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स ऑफ 1990। इसके पीछे के जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसमें इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट एक्सप्लेन किया है 1950 से 1990 तक, जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का रोल बहुत सिग्निफिकेंट था। गवर्नमेंट ने कंट्रोल्ड इकॉनमी, रेगुलेटेड इकॉनमी और रिजर्व इकॉनमी के अंतर्गत चार डिकेट्स तक इंडियन इकॉनमी को रन किया। सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी थी, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी के अंतर्गत ऑल द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेड, कॉमर्स एंड एक्सचेंज रिमेन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। बट 1990 में आकर के हमारी इकॉनमी में ड्रास्टिक चेंजेस किए गए और उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूं, जितना भी आप लोग सुनते हैं कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये सारे शब्द इंडिया में 1990 के बाद आए। 1990 में इकोनॉमी कहीं ना कहीं बहुत खराब हालत में आ गई थी और जिसके चलते आइडियोलॉजिकल चेंज किए गए इकोनॉमी में, और उसके बाद हम लोग एलपीजी आइडियोलॉजी दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लेकर के आगे बढ़े हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्या रीजंस था। आई एम डिस्कसिंग इंडियन इकोनॉमी रीजंस ऑफ रिफॉर्म्स इन 1991 एंड देन क्या चीज है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल व्हाइल एलपीजी वाज फॉलोड इन इंडियन इकोनॉमी। और अब डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट आर रीजंस ऑफ रिफॉर्म्स, क्यों 1950 से 1990 तक, चार डिकेड्स तक सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी के साथ चलने के बाद आखिर में हम लोगों को चेंजेस करने पड़े। बिफोर गोइंग टू द पॉइंट्स, एक अच्छी बात समझिएगा, 1970 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था जिसने पूरी इकोनॉमी के सामने बहुत ज्यादा क्राइसिस खड़ी की। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है इसको भी समझ ले बहुत छोटी सी लाइन में। जब किसी इकोनॉमी में डेथ रेट कम हो जाता है और बर्थ रेट हाई रहता है, मरने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो धरती पर रुकने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, इसी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। 1970 से पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, हमारा बर्थ रेट भी हाई था, आई रिपीट, डेथ रेट भी हाई था। डेथ रेट हाई क्यों था, क्योंकि हम लोगों के पास मेजर्स नहीं थे हेल्थ के, न्यूट्रिशन के, तो जितने आते थे उतने चले जाते थे, पॉपुलेशन स्टैग्नेंट रहती थी। लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट ने वेलफेयरिस्टिक स्कीम्स लाए, हेल्थ मेजर्स लाए, न्यूट्रिशन लाए, गवर्नमेंट ने बहुत काम किए सब किए, तो डेथ रेट तो कम हो गई। लेकिन चूंकि इलिटरेसी थी, मेजर्स प्रॉपर नहीं थे, फैमिली प्लानिंग की नॉलेज नहीं थी लोगों को, तो बर्थ रेट हाई बना रहा और इसके चलते पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी, ये क्राइसिस थी, बहुत बड़ी क्राइसिस थी, इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी। ग्रोथ का मतलब क्या है, जीडीपी बढ़ती रहनी चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम बढ़ती रहनी चाहिए, दैट वॉज वेरी वेरी लो। 2%, 2.5%, 3% का ग्रोथ रेट होता था इंडियन इकोनॉमी का 1950 से लेकर के 1970 हम बोल सकते हैं। हम लोग पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, ये बहुत लो ग्रोथ रेट है। और वर्ल्ड में जब कहीं ताना दिया जाता था कि आपका काम तेजी से नहीं हो रहा है, तो लोग ऐसे बोलते थे क्या हिंदू ग्रोथ रेट से काम कर रहा हूं। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वॉज यूज एज प्रोवर्ब एट इंटायर ग्लोबल इकोनॉमी एज हिंदू ग्रोथ रेट बिकॉज वी वर परफॉर्मिंग एट अ वेरी लो रेट। आखिर में आकर के चेंजेस करने पड़े। चेंजेस को कारण क्या है, सबसे पहला कारण है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज। मैं पीएसयूज को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, पीएसयूज इंडियन इकोनॉमी का स्टील फ्रेम है। PSUs ने ही 1950 से लेकर 1990 तक इकॉनमी को रन किया है, PSUs ही है जो आधार है पूरी इंडियन इकॉनमी के टिल 1990। लेकिन इन सबके बावजूद भी परफॉर्मेंसेस PSUs की अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं अच्छी थी, रेड टेपल्स बहुत ज्यादा था। रेड टेपल्स का मतलब है कि जब नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए ऑब्जेक्टिव्स, रेड टेपल्स का मतलब है जब सारे के सारे काम रूल्स और रेगुलेशंस के ही तहत करना पड़े, उसे हम रेटेपिज्म कहते हैं।
गवर्नमेंट कंट्रोल हर बात का था, मंत्री जी का कंट्रोल है, संसद का कंट्रोल है, सांसदों का कंट्रोल है, रूल्स का कंट्रोल है, एक्ट नए नए आ रहे हैं उनका कंट्रोल है। तो बिजनेस जब भी किया जाएगा वो फ्रीडम के साथ किया जाता है, कंट्रोल्स के साथ नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी नेगेटिविटी क्या थी, वेलफेयरिस्टिक अप्रोच। पीएसयू एस्टैब्लिशिंग इसलिए किए गए थे कि वो जन कल्याण कर सके। जन कल्याण करने के कारण अब आप ही बताइए, या तो आप प्रॉफिट मोटिव के अंतर्गत एफिशिएंट हो सकते हैं या फिर आप वेलफेयरिस्टिक के अंतर्गत लॉस बियर कर सकते हैं। पीएसयू लॉस बियर करते थे, लेकिन लॉस बियर करने के पीछे उनकी आइडियोलॉजी थी दैट दे वर वर्किंग अंडर वेलफेयरिस्टिक अप्रोच। वेलफेयरिस्टिक अप्रोच में कभी भी प्रॉफिट सिक्योर नहीं किया जा सकता। सो आई एम नॉट अंडरमाइनिंग पीएसयू, बट इवन देन पीएसयू वर परफॉर्मिंग एट अ वेरी लो रेट। सेकेंड इज डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम डॉलर अर्न करते हैं, हम जब इम्पोर्ट करते हैं तो डॉलर को एक्सपेंड करते हैं। इंडियन इकोनॉमी वॉज ए डिपेंडेंट इकोनॉमी, हमारे इम्पोर्ट्स हमेशा हायर थे एक्सपोर्ट्स के कंपेरिजन में, तो हम लोग डॉलर पे ज्यादा करते थे और अर्न कम कर पाते थे। 1950 से लेकर के 1990 तक जब भी क्राइसिस आ जाती थी, डेफिसिट यानी घाटा हो जाता था बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो सरकार विदेशों से ऋण लेती थी। 40 साल, 4 डिकेड में इतना ज्यादा माउंटिंग इंटरनेशनल डेट हो गया कि वो क्राइसिस थे। लेकिन इसकी सारी जिया नहीं जा सकता, हमेशा उधार लेके घी तो नहीं पी सकते हैं, तो कुछ ना कुछ मेजर्स हमें इसके लिए लेने थे। सेकेंड इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। व्हाट इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर? जब भी कमोडिटीज के प्राइसेस लगातार सस्टेन तरीके से बढ़ते रहते हैं ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज रिफर्ड एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्यों है, मैंने पीछे बताया, जनसंख्या बहुत तेजी में बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है ना, लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ रही है तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। अब अगर सप्लाई नहीं बढ़ेगी और डिमांड बढ़ती जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है प्राइसेस हर एक कमोडिटीज के बढ़ते ही जाएंगे। देन नेक्स्ट इज फॉल इन रिजर्व ऑफ फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा क्यों नहीं है? क्योंकि हम डॉलर पे ज्यादा कर रहे हैं और डॉलर अन्य कम कर रहे हैं, और उन परिस्थितियों में हमारे पास फॉरेक्स नहीं रहता है। देन नेक्स्ट इज ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। ये मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि हम जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती थी, सरकार के पास पैसा नहीं होता था, तो कभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, कभी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, से लोन लेते थे। एंड एट लास्ट इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि पॉलिसी बन रही है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, काम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसके बीच में इतना वेरिएशन है, इसके बीच में इतना गैप है कि स्वाभाविक सी बात है कि मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज डायनामिक, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिव, मैनेजमेंट इज क्विक। जितनी जल्दी जल्दी डिसीजंस ले जाएंगे उतनी जल्दी ही बिजनेस को फायदा होगा। और यहाँ डिसीजन लेने लेने में 3-4 महीने लग जाते थे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आकर के चली जाती थी, यहाँ पर डिसीजन लिया ही नहीं जा रहा, तो स्वाभाविक सी बात है चीजें सही से मैनेज नहीं हो पाती थी। दिस वाज द क्राइसिस, दिस वाज द क्राइसिस विद विच वी लिव फॉर 4 decades। And when we live for 4 decades, finally there was huge crisis. क्या huge crisis थी 1990 में? 1990 में सबसे ज्यादा important है ये, $7 billion का लोन मांगा गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से। ये जो मैंने इतना लंबा बोला, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसे याद कीजिए IBRD है, IBRD का पॉपुलर नेम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का काम है रिस्ट्रक्चरिंग इकोनॉमी के लिए देशों को ऋण देना। IMF का नाम मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जब फॉरेक्स की डेफिसिट हो जाती है तो उन परिस्थितियों में वो ऋण दे रहा होता है, राइट? इन लोगों ने लोन तो देने की बात की, लेकिन उस समय जो हमारी सरकार थी उससे उसने कुछ अपेक्षा की, और अपेक्षा क्या थी ये तीन समझिए। पहला, रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। पीछे के मेरे वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें मैंने 2-3 बार बताया है, जब रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है, रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरी तरीके से पीएसयूज को दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल रोक दिया गया था। बहुत एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेशन है वहां पर, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जितने भी आपने वो रूल्स और रेगुलेशंस लगा रखे हैं जिसने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने से रोक रहे हैं, लाइसेंसिंग, कोटा, परमिट, IDRA एक्ट, फेमा एक्ट, फेरा एक्ट, सॉरी, ये सारे एक्ट प्राइवेट सेक्टर को बहुत रोक के रखते थे। पहली, रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर ही कहलाता है लिबरलाइजेशन, राइट? देन नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग रोल ऑफ पीएसयूज। पीएसयू के रोल को कम कीजिए।
अपर हैंड जो पीएसयू को दिया गया हर जगह पर, सारी के सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स पीएसयू के लिए रिजर्व्ड थे, पीएसयू ही आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करके रन करेंगे, उसको रिड्यूस करना है, ये होगा प्राइवेटाइजेशन। जब हम पीएसयू को प्राइवेट हैंड में बेचते हैं, पीएसयू के शेयर्स की किसी प्राइवेट कंपनी को बेचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन। और थर्ड लाइन थी रिड्यूसिंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, इंटरनेशनल साइलेंट है, इसमें आप इंटरनेशनल जोड़ लीजिए, मैंने भी नहीं लिखा क्योंकि किसी बुक ने नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब ही यही होता है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, इंटरनेशनल ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हटाइए, विदेशी कंपनियां को अपने देश में आने दें, विदेशी प्रोडक्ट को अपने देश में आने दें, उसमें किसी प्रकार का टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर ना लगाएं, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये तीन अपेक्षाएं की गई थी जब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने, अब मैं आपको यहां पर जो बुक्स में नहीं दिया जाता मैं वो भी बता देता हूं। एक्चुअली क्राइसिस ये थे कि उरुग्वे राउंड हो चुका था गैट का, उरुग्वे राउंड फाइनल हो चुका था, डेवलपिंग कंट्रीज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उरुग्वे राउंड में यही तीन चीजें थी कि डेवलपिंग कंट्रीज जो साइन नहीं कर रहे हैं गैट को, उन देशों से बाध्य किया जाए कि वो हर हालत में अपने यहां ये तीनों चीजें इंप्लीमेंट करें। और आप तो जानते हैं ज्यादा वोटिंग राइट IMF और वर्ल्ड बैंक किसके पास है, USA या यूरोपियन कंट्रीज के पास। उन लोगों ने IMF और वर्ल्ड बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिए कि डेवलपिंग कंट्रीज को आप फोर्स कीजिए कि ये सब करें। तो जब भी कोई कंट्री IMF या वर्ल्ड बैंक के पास बड़ा लोन लेने जाते थे या इकोनॉमिक क्राइसिस में होते थे, IMF और वर्ल्ड बैंक यही तीन चीजें उनके यहां इंप्लीमेंट कराती थी। सरदार मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री जी थे, नरसिम्हा राव जी की जो गवर्नमेंट थी, आखिर में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और जब उनके पास ऑप्शन नहीं था तो आखिर में यह तय किया गया कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को फॉलो किया जाना चाहिए, हमें अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1951 में पीछे के लेक्चर में पड़ी हुई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं, वहां जो चीजें उसकी ठीक उल्टी चीजें, ठीक अपोजिट चीजों को बनाते हुए हमने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फ्रेम किया। और उसमें क्या क्या चीजें ली गई, उसमें दो चीजें बताई गई, सस्टेनेबल मेजर्स, वो मेजर्स जो लंबे समय तक चलेंगे, फॉर इयर्स, मेनी इयर्स। और सस्टेनेबल मेजर्स में पहला BOP मेजर्स, हमारा देश जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ इस तरीके से करे कि हमें विदेशों से विदेशी मुद्रा का ऋण ना लेना पड़े। हमें जब भी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती थी हम विदेशों में जाते थे और उसे ऋण लेकर के आते थे। इस ऋण को रोकने के लिए क्या चीज आइडियोलॉजी फॉलो की गई, फॉरेन कंपनीज आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी इंडिया में ट्रेड करने के लिए, तो अपने साथ कैपिटल लाएंगी, और अगर अपने साथ कैपिटल लाएंगी तो इंडियन रुपये में थोड़ी ना लाएंगी, अगर अमेरिका से कंपनी आ रही है तो अपने साथ डॉलर लाएगी, अगर यूरोप से कंट्री आ रही है तो कोई पाउंड लाएगा, कोई पाउंड स्टर्लिंग लाएगा, कोई दूसरी करेंसी लाएगी, आजकल यूरो चल रही है, लेकिन जो कंपनी जहां से आएगी वही मुद्रा लाएगी ना, भारत को बना बनाया फॉरेक्स मिल जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद दूसरा है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, जब मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर जाएंगे। इन्फ्लेशन का कोई इलाज नहीं है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सीधा तरीका है कि डिमांड अगर बढ़ रही है तो डिमांड को कम कर ले, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम लोग 1,40,00,000,000 हैं तो डिमांड है, हम सब भूखे हैं, भूख लगेगी, हमें प्रोडक्ट चाहिए तो डिमांड है। अब अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो उतना सप्लाई बढ़वा दीजिए, अगर आप सप्लाई बढ़ा ले जाते हैं तो सारा का सारा काम हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है इकोनॉमी की। कैसे बढ़ेगी एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी बढ़ती है जब आप GDP ग्रोथ रेट बढ़ा ले जाते हैं, राइट। और आखिर में दैट इज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, अपने देश में ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो विदेशों में जाकर के बिके। आई विल बी प्रोसीडिंग इन माई फ्यूचर फर्दर लेक्चर्स विद एक्सप्लेनिंग इन डिटेल व्हाट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। द टॉपिक इज स्टिल नॉट कवर्ड, एंड ऑल दीज टॉपिक्स ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन विल बी फॉलोड इन माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।